अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ चाइनीज़ पकौड़ा और बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो जी यहाँ पे हम लोगों ने ली है ग्रीन ऑनियन लिया है, पालक ली है फ्रेश, और कैरेट्स ली हैं, ग्रीन चिलीज ली है, कैबेज लिया है, ये है हमारा बेसन और ये है हमारा कॉर्नफ्लोर, ठीक है। और ये बॉयल्ड चिकन जिसको हम लोगों ने श्रेड कर लिया है। वेजिटेबल्स को आपने स्लाइस में कट करना है लाइक बारीक बारीक सा, उससे ये होता है कि टेस्ट भी आता है और एक क्रंचीपन आता है। और ये है जी हमारे स्पाइसेस जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी कि कितनी कितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए हो। चलें जी अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको हमने एक बड़े से बर्तन में सब तमाम जो इसके इंग्रेडिएंट्स लाइक वेजिटेबल्स, चिकन और सब इसके स्पाइसेस को, बेसन को और कॉर्नफ्लोर को हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है। खुले बर्तन में ऐड करने से ही होता है कि जो आपकी मिक्सिंग है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। अच्छा जी, तो मैंने जो है बेसन और कॉर्नफ्लोर अपने मिक्सचर के अकॉर्डिंग लिया, तो आप भी अपने मिक्सचर के अकॉर्डिंग जो है वो ऐड कीजिएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपके लाइक जितना बेसन होगा ना, लाइक एक कप अगर बेसन है तो आपने एक कप ही कॉर्नफ्लोर लेना है, मतलब कि जितनी क्वांटिटी बेसन की होगी उतनी क्वांटिटी कॉर्नफ्लोर की होगी, ठीक है। उसके बाद आपने 1 टेबल स्पून विनेगर लेना है, 1 टेबल स्पून चिली सॉस लेना है और 1 टेबल स्पून सोया सॉस का ऐड करना है। तो अब चलें हम इसको मिक्स करते हैं। जी जनाब, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पकौड़ों का जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है, ठीक है। और आप देख सकते हैं बेसन भी और वेजिटेबल्स और लाइक सब कुछ इक्वल है, लाइक ऐसा नहीं है कि बेसन ज़्यादा हो और वेजिटेबल्स जो है वो नज़र ही ना आ रही हो, ठीक है, या वेजिटेबल्स हमारी ज़्यादा हो बेसन नज़र ना आ रहा हो, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब चलें हम इनको फ्राई करते हैं। तो जी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कढ़ाई में जो है वो पकोड़े डाल दिए हैं, ठीक है। और हम लोगों ने फ्लेम को बहुत हाई नहीं करना, उससे ही होता है कि जो पकोड़े होते हैं वो ऊपर से जल जाते हैं और लाइक अंदर से वेजिटेबल्स वगैरह भी कच्ची रहती हैं, ठीक है। तो मीडियम फ्लेम पे जो हमने इसको कुक करना है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारे चाइनीज़ पकौड़ा जो है वो रेडी हो गए हैं। और अब यकीन करें इतने जूसी बने थे, मैं अभी आपको तोड़ के भी पकौड़ा जो है वो दिखाती हूँ और करीब से देखें कि कितने ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची से लग रहे हैं। और ये मतलब खाने में भी बहुत ज़्यादा लाइक जूसी भी थे और बहुत क्रिस्पी भी थे। तो यहाँ पर हम अपनी जो है लाइक मिंट जो चटनी है उसके साथ मैंने इसको सर्व किया था। जी तो आप देख सकते हैं करीब से कि मैंने आपको तोड़ के भी दिखाया कि कितने ज़्यादा ये जूसी से और क्रंची से लग रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी और आप उसको ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।